can solve any problem in the world that cannot be bigger than your capabilities. क्योंकि वो पहले तो शुरुआत हिम्मत से ही होती है ना. यू हैव टू शो दैट हिम्मत कि ठीक है यार अभी हो गया, रायता फैल गया, अभी मेरे को उसको सिखाना है तो मुझे प्लान करना पड़ेगा. हाइपर होके, डर के, घबरा के, रो के, गुस्सा करके, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व. सो दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक, दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. जब बच्चों को एक सबकॉन्शियस स्टेज में पहुँचा कर तो एक्सट्रीम टेरिफाइंग इंसिडेंट्स को भी बच्चे कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज का कॉन्फिडेंस उनमें लाने की हमने कोशिश की. अक्षत को कितना प्रॉब्लम आ रहा था कॉन्सेंट्रेट करने में. सो बोलने का मतलब यह है कि दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. इसमें इट इज अ टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेथड ऑफ what we call meditation, जहाँ पे बच्चों को जनरली हम लोग ऐसे स्टेट में ले जाते हैं जब बच्चे का सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है और फिर हमें जो फीड करना है वो हम उसकी जैसे बोलते हैं ना बुक, दिमाग की बुक खोल के उसमें लिखना शुरू कर देते हैं. एंड मोस्ट लाइकली बच्चा उस लिखने से वो जो उसके दिमाग में छप जाता है कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आई गॉट एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर फीड होगी. आइडियली दिस प्रोग्राम हैज टू, वो ये फ्रूट वाला असर है कि आपको उसको रेगुलरली करना चाहिए. रेगुलरली अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका एक्चुअली इसलिए बोलते हैं ना कि ब्रेन इज अ सुपर पावर, हर किसी का ब्रेन इज सुपर पावर है. कितना न्यूरॉन्स, कितने लोगों को पता है हम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बिल्कुल भी बहुत ही कम यूज करते हैं, लेस देन 5 or 6%. मैंने तो सुना 1 or 2% भी यूज नहीं करते. मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं लेकिन हमने सोचो कि हम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बोलते हैं लेकिन 1 to 2% से ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते. ऐसा बोला जाता है सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स जो थे आइंस्टाइन ने यूज़ किए थे 6 to 7%. सोचो बंदे ने 6 to 7% यूज़ किया तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कहलाया जाता है. उसके ब्रेन पर स्टडी हो रही थी कि इतना इंटेलिजेंट कैसे था. लेकिन हमें अब फॉर्चुनेटली टेक्निक्स हैं बट somehow that laziness की वजह से या इनकन्सिस्टेंसी की वजह से हम ये सारी टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर पा रहे, यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे. तो मेरा इंसिस्टेंस रहेगा कि आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान दें, वर्कआउट करें और इन सारी चीज़ों पर अपने आप को थोड़ा सा सीरियसली प्लेस्ड करना शुरू करो, मतलब अपने बच्चों को. तो आपको ये एवेन्यूज उनको देने चाहिए. वी कैन प्रोवाइड यू विद सर्टन रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो जिसमें बच्चा बैठ के फोकस करे. तो ये फोकस किसके लिए है? उसी के लिए है, उसके बेस्ट एंड बेटर टू बेस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए. और कैसा रहता है ना कि जो चीज़ें हाँ एक बार दस नहीं वाला जो इशू रहता है कि वहाँ वाला जो इशू होता है तो ये अपने को बच्चे को ऐसा पॉजिटिव फीलिंग देती है. बच्चा आप बहुत ओबीडियंट हो, आप बहुत ही नाइसली वेल बिहेव्ड हो, आपका फोकस बहुत अच्छा है. सो वी हैव टू फील दैट पॉजिटिविटी इनटू इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो ये एक चीज़ हमने करने की कोशिश की और हम ये जो सेशन स्पेशली इसीलिए इन्वाइट किए कि ताकि पेरेंट्स को पता चले क्या हुआ है और उसको आगे में कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. तो अभी हमें एक कंपैरेटिव डेवलपमेंट जानी है कि बच्चे कैसे इवॉल्व हुए हैं या कैसे ग्रो हुए हैं. हाय बच्चा लोग, कुछ लोग बहुत दिन बाद आए, कहाँ रहते तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, आज हम विशेष आम से शुरुआत करते हैं. सो इंट्रोडक्शन, विशेष इज गोइंग टू गिव हिज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कल मैंने प्रिपेयर करने बोला था, घर में लिखने बोला था, ठीक है ना? तो अभी अपना इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से क्राउड इम्प्रेस हो जाना चाहिए ऐसा वाला देंगे और फटाफट देंगे, ठीक है? रुक भी ना रुके. गुड मॉर्निंग, आई एम विशेष, आई स्टडी फर्स्ट, माय सर्वर इज गोइंग एंड माय स्कूल नेम इज जैन इंटरनेशनल. माय ओल्ड इज 6 एंड आई विल नाउ गोइंग इन सेकंड. My father's name is Nikunj and my mother's name is Anju and I live in Congress now.
Give a big clap. I am 12 years old. I go at Podar International School. I am studying in 7th standard. I like to go to school very much. My achievements is I won a gold medal at the International English Olympiad and I was selected for state level competition in Spell Bee. And my hobby is playing football and reading books. And I like to cook food and I would like to try new recipes with the guidance of my mother. And my father's name is Nitin Nandanwar. He is an engineer and my mother's name is Yogita Nandanwar. She is a homemaker. And my strength is I like to try new things and I am focused and confident and hardworking. And my weakness is I am short-tempered, but I am trying to overcome my weakness by doing meditation and chanting. First of all, I'd like to thank Rashmi ma'am for organizing this camp.